यहाँ पर हमारे पास आईफोन 14 प्रो है और आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे इस आईफोन 14 प्रो से नाइट वीडियो टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस समय अंधेरा होने वाला है और यहाँ पे इसी फ़ोन से आज हम इसका वीडियो टेस्टिंग जो कि अल्ट्रा वाइड पे और 1x पे और 2x पे और 3x पे वीडियो को शूट करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और यहाँ पे बस कुछ लाइटें जल रही हैं और यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा बहुत लाइट पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। और ये वीडियो 1x पे शूट हो रहा है, इसको हम अगर 0.5x पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आप 4K में केवल 1x से ले कर 6x तक शूट कर सकते हैं नाइट में। तो आप देख सकते हैं कि नाइट में भी कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, इसका फेस देख सकते हैं और यहाँ पीछे बिल्डिंग्स का जो डिटेल्स है उसको भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम इसको जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ पे जो लाइट का लेंस फ्लेयर है काफ़ी ज़्यादा आईफोन 14 प्रो में निकल कर आता है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा वॉकिंग टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे वॉकिंग करने पे आप इसकी स्टेबलाइजेशन देख सकते हैं कि किस तरह से नाइट में निकल कर आता है। तो वीडियो की स्टेबिलिटी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल आपको वीडियो मिल जाएगी। अभी भी इसको थोड़ा सा 3x पे शिफ्ट कर लेते हैं तो 3x में भी आप वीडियो की स्टेबिलिटी देख सकते हैं कि किस तरह से निकल कर आ रहा है। तो ये वीडियो हमारा आप देख सकते हैं 1x पे 4K 60fps पे शूट हो रहा है और 4K वीडियो आप 1x से ले कर 6x पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जूम देख सकते हैं, जूम क्वालिटी 4K आप 6x तक जूम कर सकते हैं। तो जूम क्वालिटी आप नाइट में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा धुंधला सा आ रहा है और ग्रेन्स भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो पे देख रहे हैं। ये हो गया 1x और यहाँ पे आप 2x देख सकते हैं और 3x, जो कि 3x का इसमें लेंस मिल जाता है तो 3x में किस तरीके का आ रहा है। यहाँ पे केवल आर्टिफिशियल लाइट है, वो भी दूर दूर तक आप इस साइड में देख सकते हैं। यहाँ पे इस साइड दूर में लाइट है और यहाँ पे अगर हम 0.5x पे शिफ्ट करते हैं तो 4K 60fps पर 0.5x पर वीडियो क्वालिटी शिफ्ट नहीं होता है, केवल 1x से लेके 6x तक आप शूट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा वॉकिंग वीडियो टेस्ट करते हैं कि किस तरीके से निकल कर आता है। तो वॉकिंग वीडियो में आप इसकी स्टेबलाइजेशन देख सकते हैं, 1x पे शूट हो रहा है जिसमें ये सब्जेक्ट हमारा जा रहा है, बाकी चीज़ का मूवमेंट और स्लो मोशन देख सकते हैं। अब हम इसको चलिए 2x पे शिफ्ट करते हैं तो ये 2x पर भी आप वीडियो का स्टेबलाइजेशन देख सकते हैं। और ये वीडियो हम 3x पे शिफ्ट कर चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कम लाइट है, उसके कम लाइट में भी किस तरह से वीडियो क्वालिटी निकल कर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर के साइड में फाउंटेन्स लगा हुआ है तो फाउंटेन्स की जो क्वालिटी है आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रेन्स है और किस तरह से ग्रेन्स नहीं है। यहाँ पे दूर काफ़ी ज़्यादा फाउंटेन है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये हो गया 1x और यहाँ पे 1x के बाद जब आप जूम करेंगे नाइट में तो किस तरीके से देखिए जो डिटेल्स हैं वो निकल कर आती है। तो ये हम लोग बनारस स्टेशन पे है तो ये बनारस लिखा हुआ जो है किस तरह से उसका जो क्वालिटी है आ रहा है आप देख सकते हैं। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं आईफोन 14 प्रो से अल्ट्रा वाइड पे 0.5x से शूट हो रहा है और इसमें आप वीडियो की डिटेल्स देख सकते हैं और लाइट को किस तरह से मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम वॉकिंग करके इसकी क्वालिटी को दिखाते हैं तो किस तरह से निकल कर आता है आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।